कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों जय श्री राम जय माता दी। मित्रों आज हम आपसे चर्चा करते हैं पाप मोचनी एकादशी, जो कि यह पावन पर्व 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। तो पाप मोचनी एकादशी का मतलब ये होता है जो जाने और अनजाने में पाप हमसे हो गए हैं उन पापों से मुक्ति प्राप्त कराने का भगवान कृष्ण को समर्पित यह पावन पर्व बताया गया है, पावन व्रत बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये व्रत का प्रारंभ का पूरा मुहूर्त क्या है। तो एकादशी का जो प्रारंभ का समय है 17 मार्च 2023 को दोपहर में 2:06 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति की अगर हम बात करें तो 18 मार्च को 2023 में 11:13 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। पारण की अगर हम बात करते हैं तो 19 मार्च को सुबह 6:25 लेकर के 8:07 तक इस व्रत का पारण करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष एकादशी बताई गई है। जिस तरह से वर्ष में 24 से 26 एकादशियां होती हैं, हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है, उसी तरह से पाप मोचनी एकादशी का भी अपना एक महत्व है। अब आपको बताएं कि पाप मोचनी एकादशी समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी बताई गई है। भविष्य पुराण के अंतर्गत भी इसका वर्णन आता है। हिंदू धर्म में समस्त प्रकार के गलत कार्य करता हुआ व्यक्ति अगर इस एकादशी को करता है परंतु जान करके नहीं, जो अनजाने में गलत कर्म हो गए हैं उससे, उन पापों को दूर करती है ये एकादशी। ऐसा माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी समस्त प्रकार के भय और भूत के दुख को भी दूर कर देती है, अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी का व्रत ऋषि लोमस ने मांधाता को बताया था और इसके बाद में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये पावन व्रत बताया था। तो एकादशी के दिन समर्पण होकर के भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करके भगवान विष्णु की एक छोटी सी प्रतिमा को उनका विधिवत दूध दही घी सहित शकर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, सुंदर वस्त्र समर्पित करने चाहिए और उनकी धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान की पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इस मंत्र का उनको निरंतर जप करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा उनके जीवन में निरंतर बनी रहे। मित्रों पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गौरी।